महाठग सुकेश चंद्रशेखर के चक्कर में नोरा फतेही और जैकलिन फर्नांडिस इस वक्त बुरे तरीके से फंसी हैं, ये बात आप सभी जानते हैं। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ के रंगदारी मामले में एक्ट्रेस नोरा फतेही और जैकलिन फर्नांडिस के बयान सामने आ चुके हैं। नोरा फतेही ने खुलासा किया है कि सुकेश ने उन्हें लग्जरी लाइफ और बड़ा घर देने का वादा किया था, लेकिन इसके साथ ये भी कहा था कि इसके लिए उन्हें सुकेश की गर्लफ्रेंड बनना होगा। नोरा फतेही जिस तरीके से एक के बाद एक खुलासे करती नजर आ रही हैं, उसके बाद इस मामले में नई नई बातें निकल कर सामने आ रही हैं। महाठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी के रडार पर आई एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस और नोरा फतेही ने हाल ही में अपने बयान दर्ज करवाए हैं, जो कि अब सबके सामने आ चुके हैं। नोरा फतेही और जैकलिन ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सुकेश पर गंभीर आरोप लगाए और चौंकाने वाले खुलासे भी किए। नोरा फतेही और जैकलिन ने सुकेश के साथ उसकी एसोसिएट पिंकी रानी पर कई गंभीर आरोप लगाए। नोरा और जैकलिन ने बताया है कि सुकेश पिंकी के जरिए ही एक्ट्रेसेस को अपने जाल में फंसाता था। नोरा ने यह भी दावा किया है कि सुकेश ने उससे ये कहा था कि वो उन्हें गाड़ी बंगला सब देगा और उनका सारा खर्चा भी उठाएगा, लेकिन इसके लिए उसकी गर्लफ्रेंड बनना होगा। नोरा फतेही ने सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ दर्ज कराया है बयान और इन बयानों में सुकेश के बारे में कई सारे खुलासे भी किए हैं। नोरा फतेही ने अपने बयान में बताया कि सुकेश चंद्रशेखर ने उनसे वादा किया था कि वो उन्हें एक बड़ा सा घर देगा और लग्जरी वाली लाइफ भी देगा, लेकिन उसने इसके लिए एक शर्त रखी थी और नोरा फतेही ने इस शर्त के बारे में ईडी को बता दिया है। नोरा ने ईडी को बताया है कि सुकेश ने ये शर्त रखी थी कि अगर उन्हें ये लाइफ चाहिए तो इसके लिए उनकी पहले गर्लफ्रेंड बनना होगा। नोरा अगर सुकेश की गर्लफ्रेंड बनेंगी तो वो उन्हें सारे ऐश आराम देंगे। नोरा के मुताबिक सुकेश ने अपने कई काम पिंकी रानी के जरिए उनसे करवाए हैं। नोरा फतेही ने बताया वो सुकेश को पर्सनली नहीं जानती और ना ही कभी उनसे बात हुई, लेकिन एक इवेंट में वो लीना मारिया नाम की महिला से मिली जो कि सुकेश की पत्नी निकली। लीना ने नोरा से कहा था कि सुकेश उनका बहुत बड़ा फैन है। नोरा के मुताबिक वो बस इतना जानती थी कि सुकेश किसी LS कॉर्पोरेशन में काम करता है। वहीं सुकेश की एसोसिएट पिंकी रानी ने नोरा के कजन से कहा था कि जैकलिन फर्नांडिस भी सुकेश के लिए लाइन में है, लेकिन सुकेश नोरा फतेही को चाहता है। वो चाहता है कि नोरा उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए। ऐसा होता है तो सुकेश नोरा फतेही को सारी सुख सुविधाएं देगा। जी हां दोस्तों, महाठग सुकेश चंद्रशेखर के मामले में नई नई बातें निकल कर सामने आ रही हैं और अब नोरा फतेही ने सुकेश को लेकर धमाकेदार खुलासे किए हैं। नोरा फतेही के बयान के मुताबिक सुकेश महाठग है। ये बात नोरा को तब पता चली जब ईडी ने उन्हें नोटिस भेजा। नोरा फतेही ने बताया कि उन्होंने सुकेश को पहली बार ईडी के ऑफिस में ही देखा था। उससे पहले वो कभी उससे नहीं मिली और ना ही कभी उससे बात की। नोरा फतेही ने ये भी बताया कि उनके मेकअप आर्टिस्ट बॉबी ने सुकेश की दी गाड़ी किसी तीसरी पार्टी को बेच दी क्योंकि वो उस वक्त आर्थिक तंगी से परेशान था। तब नोरा इंडिया में नहीं थी, लेकिन जब वापस आई तो उन्हें पता चला कि उनकी गाड़ी को बेच दिया गया है। नोरा ने बताया कि इस घटना की 7 महीने के बाद जब उन्हें ईडी का समन मिला तो पता चला कि सुकेश और उनकी पत्नी दोनों महाठग है और उन्होंने 200 करोड़ का तगड़ा घोटाला किया है। सुकेश से जुड़ा ये मनी लॉन्ड्रिंग केस पिछले 1-2 साल से लगातार चर्चा में है। अब इसमें जैकलिन फर्नांडिस और नोरा फतेही के अलावा चाहत खन्ना और निक्की तंबोली का नाम भी सामने आ चुका है। ईडी ने दावा किया है कि सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलिन और नोरा पर करोड़ों रुपए खर्च किए और महंगे महंगे गिफ्ट दिए और इसी मामले में हाल ही में सुकेश के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। सुकेश चंद्रशेखर मामले में जिस तरीके से नोरा फतेही ने कई सारे बड़े खुलासे किए हैं, उसके बाद देखना होगा कि नोरा फतेही को लेकर ईडी अपना क्या फैसला लेती है और इस मामले में जो आगे की कार्रवाई है वो कहां तक जाती है। फिलहाल तो इस मामले में बताया जा रहा है कि नोरा फतेही और जैकलिन फर्नांडिस दोनों ही सुकेश मामले में बड़ी गवाह बन चुकी हैं। अगर आपने अभी तक फिल्मी बीट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।